असलकुम जी वेलकम बैक टू माई चैनल क्या हाल चाल है आप लोगों का ठीक ठाक है आई होप कि सब लोग ठीक ठाक होंगे तो जी अल्हम्दुलिल्लाह जी मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और बस बच्चों की थोड़ी सी तबीयत खराब थी तो इसलिए जो है ना मैं व्लॉग अपलोड नहीं कर पाई थी तो खैर जी ये जो है आज मैं शाम के टाइम से ही अपनी रूटीन शुरू कर रही हूँ व्लॉग शुरू कर रही हूँ अपना तो आज जो है ना फर्स्ट डे है भाई आए हुए हैं कराची और बस खाने में मैंने आज क्या बनाया था मटन कढ़ाई बनाई थी और शामी कबाब फ्राई कर रही हूँ और मीठे में मेरा कुछ प्लान था बनाने का लेकिन खैर फिर प्लान चेंज हुआ तो फिर उसके बाद मीठे में जी क्रीम वाली मैंने फ्रूट चाट बना ली थी तो बस ये साथ के साथ में अभी जो थी ना किचन में फ्रूट्स काट ही रही थी तो फिर ये है कि मैंने कहा चलो पहले खाना लगा लेते हैं उसके बाद इसको कंप्लीट कर लेंगे भूख लगी हुई थी सबको तो मैंने कहा चलो ये काम बाद में करेंगे तो खाना वगैरह खाने के बाद फिर ये मैंने फ्रूट चाट भी तैयार कर ली थी तो बस इसको भी अब हम खाएँगे और फिर ये नेक्स्ट डे है तो बस आज जो है मैं ये कपड़े तय कर रही हूँ कपड़े धोए थे तो बस फिर सूख गए उनको फिर मैंने कहा चलो आज तय करती हूँ और इस समेटती हूँ वरना फिर कपड़े पड़े रहते हैं ना तो फिर ये होता है कि उससे कमरा भी बहुत जो है ना ऐसे बिखरा बिखरा सा लगता है तो मैंने कहा चलो साथ, के साथ ही जल्दी से ना तय करके पहले कपड़े रखते हैं और बस जी घर की सफाई घर के काम ये सब चीज़ें भी साथ साथ चल ही रही थी तो जो कि हमारा रोज़ का काम होता है रोज़ रोज़ की हर घर की यही कहानी होती है के बस साथ के साथ सारे काम चल रहे होते हैं हमारे तो बस जी फिर मैं आ गई थी किचन में और ये तकरीबन शाम का टाइम हो गया था तो यहाँ पर जो है अभी मैंने कोफ्ते जो थे ना वो मैंने तैयार करके रख लिए थे और दूसरी तरफ पतीली में ना मैंने बनाना था पुलाव बिरयानी तो उसकी मैंने तकरीबन आधी तैयारी कर ली थी मैंने जो था ना उसका मसाला तैयार करके रख लिया था मतलब बीफ भी गला लिया था और मैं अभी आपको दिखाती हूँ तो बस आधा काम मैंने कर लिया था और बस आधा रह गया था मैंने कहा चावल जो हैं अब थोड़ा सा लेट ही मतलब इसमें जो है डालूंगी ताकि गर्म गर्म ही चावल जो हैं अच्छे लगते हैं तो बस यहाँ पर ये देखें जी मैंने प्याज जो थी ना फ्राई की और उसमें लहसुन अदरक का पेस्ट शामिल किया और उसके बाद मैंने इसमें टमाटर काट के डाले टमाटर मैंने थोड़े से ऐसे मोटे मोटे काट के डाले थे और उसके बाद जी गोश्त को मैंने पहले से गला लिया था उबाल कर तो ये आपको मैं कोफ्ते भी दिखा रही हूँ उसमें अभी जो है ना मैं हरा धनिया शामिल करूँगी तो गोश्त का लिया था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया और थोड़ा सा मैंने जो है ना पुलाव बिरयानी वाला जो मसाला होता है ना वो ऐड किया था और बाकी घर के मसाले मैंने सारे ऐड किए थे इसमें तो बस ये भी जो है तकरीबन रेडी है बस चावल मैं उस टाइम पे डालूँगी जब सबके घर आने का टाइम हो जाएगा और तकरीबन ये थोड़ी सी देर के बाद मैं डाल ही दूँगी इसमें चावल क्योंकि ये जो है शाम का ही टाइम था तकरीबन अब मगरिब का तकरीबन टाइम होने वाला है तो बस जी फिर ये है कि भाई जो हैं वो भी अभी गए हुए हैं मार्केट गए हुए हैं और बच्चे जो हैं वो भी अब अब्दुल रहीम तो आ गए हैं घर पे और अब्दुल रहमान भी आने वाले हैं इनके बाबा भी जो हैं काम पर हैं अपने तो बस फिर ये लोग आने वाले हैं तो अब मैं यहाँ पर जी चावल डालने की इसमें तैयारी कर रही हूँ इसको डन करने की तैयारी कर रही हूँ तो चावल डाल दिए हरी मिर्चें मैंने अब शामिल कर दी हैं और अब यहाँ पर ये यह देखें अच्छे टमाटर जो थे ना ये मुझे इस तरह से बड़े अच्छे लगते हैं टमाटर ना एक तो कलर भी बड़ा प्यारा आता है इस तरह से और ना खाने में भी अच्छे लगते हैं इस तरह टमाटर तो मैंने थोड़े से ना इस तरह से मोटे मोटे स्लाइस करके इसके डाले दें और यहाँ पर ये देखिए मैंने दम पे भी रख दिया था तो इसको जो है अब मैं दम इसका मैंने खोला है तो खैर इस दिन इसकी जो है ना मैं आपको किसी दिन पूरी स्टेप बाय स्टेप ना रेसिपी बताऊँगी बहुत मज़े के बने थे बहुत टेस्टी बने थे तो खैर जी बस फिर ये है कि अब रात का ही टाइम था खैर ये और भाई मेरे लिए क्या लेकर आए थे तो वो भी मैं आपको आगे चल के दिखाऊंगी और यहाँ पर मैंने जो अपनी प्लेट बनाई थी ना वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ और दही में जो है ना मैंने सैलड जो था वो शामिल कर दिया था तो बस जी ये थी मेरी प्लेट तो बस जी अब ये टाइम आता है जी मैं आपको दिखाऊँ कि जी भाई क्या लेकर आए हैं तो ये चादर जो होती है ना गर्मियों वाली ये लेकर आए थे वो मेरे लिए और ये लॉन पे बनी हुई है बहुत ही मतलब सॉफ्ट इसका जो था ना स्टफ था और ऊपर जो है ना एम्ब्रॉयडरी हुई हुई है और ये भाई ने अपनी पसंद से ली थी कराची आते वक्त उनका सखर में एक दिन का स्टे था तो वहाँ से उन्होंने जो है ना ये मेरे लिए ली थी तो खैर मुझे भी बहुत पसंद आई और हस्बैंड साहब को भी बच्चों को भी बहुत पसंद आई और बस जी मैंने कहा चलो मैं अब और के भी दिखा देती हूँ मैंने वैसे इस तरह से फ़र्स्ट टाइम वीडियो बनाई मैंने पहले तो कभी मैंने इस तरह वीडियो नहीं बनाई है ना तो जो है इस तरह मैंने अब फर्स्ट टाइम बनाई है कोशिश कर रही थी बनाने की कि अच्छी बन जाए तो बस जी ये देखें जी इस तरह से है इसका लुक तो बस ये फिर मिलेंगे इन नेक्स्ट व्लॉग में और मुझे बताइएगा